हेलो एवरीवन, आज हमारे सामने खड़ी है टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर। ये टॉप एंड वेरिएंट आज हमारे सामने खड़ा है। आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि फॉर्च्यूनर लेजेंडर का टॉप एंड वेरिएंट क्या कुछ ऑफर करता है। तो वीडियो को जो है डिटेल में देखिएगा, एक एक चीज़ों की जो है डिटेल के अंदर बात करेंगे। ये वाइट कलर आज हमारे सामने खड़ा है। कोई और भी डिटेल चेक करनी हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके जो है आप देख सकते हो। कलर रिलेटेड या कोई और भी इन्फॉर्मेशन आपको लेनी हो तो वो आपको सारी चीज़ जो है इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। आइए अब देखते हैं इसकी चाबी, फिर बात करते हैं इसके एक्सशोरूम प्राइस की। चाबी की बात करें तो टॉप एंड वेरियंट में आप चाबी जो है आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी, जिसमें तीन बटन मिलेंगे लॉक अनलॉक और बूट अनलॉक करने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक बूट आता है तो आप चाबी से ही जो है अनलॉक कर सकते हैं। टोयोटा का लोगो मिलेगा पीछे, इस तरीके से फॉर्च्यूनर की बैजिंग मिलेगी। ऐसी आपको दो की आएंगी, और कभी बैटरी डेड हो जाए की की तो इस वाले बटन को प्रेस करके आप जो है इसके फिजिकल की को निकाल सकते हैं। की में यही सारी चीज़ें देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इसके एक्सशोरूम प्राइस की। तो ये वाला वेरिएंट आपको जो कॉस्ट करेगा वो कॉस्ट करेगा एक्सशोरूम 47 लाख रुपीज़। ऑन रोड के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको जो है देखने के लिए मिल जाएगा। अब बात करते हैं डिटेल में आपको इसके अंदर क्या कुछ जो है देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करें सेंटर में तो आपको बड़ा सा जो है क्रोम फिनिश में टोयोटा का लोगो देखने को मिलेगा। पियानो फिनिश में ग्रिल आएगी। रेडिएटर ग्रिल की बात करें तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी, जिगजैग पैटर्न में ग्रिल है। यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से डमी देखने को मिलेगा, सेंसर्स वगैरह नहीं आता है। स्किट प्लेट वगैरह की बात करें तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी, सिल्वर फिनिश में स्किट प्लेट है। इंडिकेटर्स यहाँ पे आएंगे, सिक्वेंशियल इंडिकेटर्स हैं। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं, वो सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट लेजेंडर के अंदर आते हैं, नॉर्मल वाली फॉर्च्यूनर के अंदर नहीं आते हैं। एक बार एग्जैक्ट मैं आपको देख के कमेंट करके बता दूंगा क्या आते हैं कि नहीं आते। फॉग लैंप की बात करें तो एलईडी बेस्ड फॉग लैंप दी गई है, सिंगल प्रोजेक्टर के साथ है। हेडलाइट सेटअप की बात करें तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, रिफ्लेक्टर सेटअप के साथ है। लो बीम आपको प्रोजेक्टर बेस दी गई है, हाई बीम जो है आपको रिफ्लेक्टर सेटअप के साथ आएगी। दो आपको लो बीम मिलेंगी, एक जो है सिंगल आपकी जो है हाई बीम आती है। डीआरएल्स की बात करें तो वो इस तरीके से जो है सेपरेट में दी गई है। ऑन जब भी होती है, जब कार जो है ऑन होती है उस टाइम पर ही जो है डीआरएल्स ऑन होती है। अगर कार को टो वगैरह करना चाहें उसके लिए मैं आपको एक बार जो है देख के बता देता हूँ। जेंडर में जो है आपको फ्रंट टो करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। बोनट की बात करें तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, प्लेन बोनट है। दो डिजाइन आएंगी यहाँ पर मिलेंगे आपको, इसके दो वाइपर्स दो वॉशर्स हैं। रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन नहीं मिलता है, सिर्फ ऑटोमेटिक हेडलाइट का ऑप्शन मिलेगा। लेफ्ट साइड से देखें तो लेफ्ट साइड से कंप्लीट कार कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। पूरी कार पर बॉडी क्लैडिंग और व्हील आर्चेस आते हैं। डोर पे डोर बिडिंग भी देखने को मिलेगी, जिस पर कि आपको फॉर्च्यूनर की ब्रांडिंग आएगी। यहाँ पे फुट स्टेप हैं जो कि कंपनी फिटेड आते हैं। आइए अब बात करते हैं अलॉय व्हील्स की। अलॉय व्हील्स की बात करें तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे। ये वाले स्टाइल के जो अलॉय व्हील्स हैं सिर्फ लेजेंडर वेरिएंट के अंदर आते हैं, नॉर्मल वाली फॉर्च्यूनर के अंदर जो है डायमंड कट अलॉय व्हील्स आते हैं, पर उनका जो है स्टाइल जो है थोड़ा सा अलग है। सेंटर में टोयोटा का लोगो मिलेगा। 6 नट के जो है अलॉय व्हील्स आएंगे। आगे पीछे डिस्क ब्रेक आते हैं, दोनों ही वेंटिलेटेड है। एबीएस सीबीडी जो है स्टैंडर्ड मिलेगा। ब्रिजस्टोन के हाईवे ट्रेन टायर्स आएंगे। अगर आप ऑफ रोड वगैरह करना चाहते हैं इससे तो आपको जो है इसमें ऑल ट्रेन टायर्स लगवाने पड़ेंगे, थोड़ा सा प्रॉपर ग्रिपिंग वगैरह से रिलेटेड। अब बात करते हैं इसके सेक्शन की। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको 165, 60 और 18 इंचेस का जो है अलॉय व्हील्स मिलते हैं। ये वाला वेरिएंट प्रॉपर 4x4 सिस्टम के साथ आता है, वैसे लेजेंडर के अंदर 4x2 का भी ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको इसके बॉडी कलर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल वार्म्स मिलेंगे टर्न्स इंडिकेटर्स के साथ। ए पिलर आपको मैट फिनिश में मिलेगा, रूफ भी मैट फिनिश के साथ आएगी। ये सिर्फ अपने लेजेंडर वेरिएंट के अंदर आती है। रूफ रेल्स हैं, शार्क फिन एंटेना मिलेगा, सनरूफ नहीं आती है। ये सारी चीज़ें जो हैं एक्सेसरीज का पार्ट है। क्रोम फिनिश में डोर हैंडल्स हैं। रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा, रिक्वेस्ट सेंसर को ड्राइवर एंड ड्राइवर दोनों साइड देखने को मिलता है। यहाँ से फिल करेंगे डीजल, लेजेंडर में डीजल वेरिएंट का ही ऑप्शन आता है, नॉर्मल वाली फॉर्च्यूनर में आपको पेट्रोल इंजन का भी ऑप्शन मिलेगा। सी पिलर पे ग्लास का व्यू है। डोर के नीचे आपको क्रोम इंसर्ट्स मिलेंगे। पूरी कार पे जो है आपको चारों तरफ देखने को मिलते हैं। पीछे से देखें तो पीछे से पूरी कार जो है कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। ये ऑलमोस्ट सेम ही लगती है अगर नॉर्मल वाली फॉर्च्यूनर से कंपेयर करोगे क्या कुछ देखने को मिलता है। सबसे पहले उनकी बात करते हैं। टेल लाइट्स की बात करें तो आपको एलईडी बेस्ड टेल लाइट देखने को मिलेगी इंडिकेटर्स के साथ। रिवर्स लाइट आपको यहाँ पर प्लेस की गई। लेजेंडर की बैजिंग मिलेगी। क्रोम और पियानो फिनिश का यूज़ है। ये वाला जो पार्ट है ये सिर्फ एसेसरीज का पार्ट है, ये आपको कंपनी फिट नहीं मिलेगा, ना ही आपको ये जो है कंपनी फिट देखने को मिलता है, ये सब एसेसरीज का पार्ट है। सेफ्टी में सेंसर की बात करें तो आपको चार देखने को मिलेंगे। रिवर्स पार्किंग कैमरा इस जगह पर प्लेस किया गया है। पियानो फिनिश में बड़ी सी फॉर्च्यूनर की बैजिंग है, 4x4 Sigma 4 की बैजिंग। रियर वाइपर डिफॉगर दोनों चीज़ का ऑप्शन मिलता है टॉप एंड वेरिएंट में। टोयोटा का लोगो मिलेगा। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है। वॉशर की बात करें तो आपको इस जगह पे देखने को मिलता है। आइए अब एक बार जो है बूट को अनलॉक कर लेते हैं। सिंगल प्रेस से ही अनलॉक हो जाएगा। एंटी पिंच फंक्शन आता है बूट में, अगर कोई ऑब्जेक्ट बीच में आ जाता है तो बूट अपना आप ही रुक जाएगा। बूट स्पेस की बात करें, जब आपकी सीट जो है अनफोल्ड रहेंगी तब यहाँ पे आपको जो है 296 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा। अगर आप इसके साइड वो सीट को फोल्ड कर देंगे तो लगभग आपको यहाँ पे 400 से 500 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलता है। सीट को आप इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं, अभी फिलहाल इसके अंदर फोल्ड हुई हुई है। अगर आप इसकी सेकंड रो सीट को फोल्ड कर देंगे तो लगभग यहाँ पे आपको 1190 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलेगा।
तीन एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं। सेकेंड रो सीट में आपको 60-40 स्प्लिट फंक्शन मिलेगा। यहाँ पे टूल किट वगैरह रखने का स्पेस है, यूटिलिटी के हुक्स हैं, सॉफ्ट ओपनिंग के साथ ग्रैब हैंडल मिलेंगे। थर्ड पैसेंजर के लिए आपको रूफ पे लाइट भी दी गई है और रूफ माउंटेड एसी वेंट्स मिलेंगे। सेम यहाँ पे यूटिलिटी हुक्स हैं। आइए एक बार नीचे देखते हैं स्पेयर व्हील वगैरह। स्पेयर व्हील की बात करें तो वो यहाँ पे प्लेस किया गया है। मेन एग्जॉस्ट टेल पाइप है, टोयोटा की बेजिंग मिलेगी और रियर डिफरेंशियल कार का कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। यहाँ पे मिलेगा आपको इसका वेल्डेड हुक। सो रियर में यही सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं और यहाँ से प्रेस करके आप जो है बूट को बंद कर सकते हैं। इमरजेंसी एग्जिट वगैरह करने का ऑप्शन नहीं आता है बूट में। आइए चलते हैं राइट साइड में। राइट साइड से देखें तो कंप्लीट कार कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। 4.8 मीटर लेंथ है, 1.8 मीटर हाइट है और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको 226 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है, जो कि नॉर्मल फॉर्च्यूनर में भी सेम ही आता है। सो एक्सटीरियर में लेजेंडर में यही सारी चीज़ें देखने को मिलती है। आइए स्टार्ट करते हैं इंटीरियर में। इंटीरियर में आपको क्या कुछ देखने को मिलता है। डोर ट्रिम की बात करें तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। डुअल टोन ट्रिम आएगी ब्लैक विद रेड कलर के लेदर के साथ। एम्बिएंट लाइटिंग आती है, सिल्वर फिनिश में इंसर्ट्स हैं, क्रोम फिनिश में डोर हैंडल्स मिलेंगे, सेंट्रल लॉकिंग का बटन आएगा, पियानो फिनिश है, ऑटोमेटिक पावर विंडो के कंट्रोल्स, चारों ही पावर विंडो जो हैं ऑटो अप ऑटो डाउन फंक्शन के साथ मिलेंगी। लेदर का यूज़ आएगा, रेड कलर में स्टिचिंग है और यहाँ पे मिलेगा आपको इसका स्पीकर। पर्टिकुलर इस वाले वेरिएंट में आपको चार स्पीकर और दो ट्यूटर का सिस्टम देखने को मिलता है। अब जो है टोयोटा ने इसमें JBL के स्पीकर हटा दिए हैं। यहाँ पे 1 लीटर का बोतल होल्डर मिलेगा, साइड में कुछ स्पेस है और ये है इल्यूमिनेटेड इसका फ्लिट जिस पे कि आपको फॉर्च्यूनर की बेजिंग मिलेगी। सेकेंड रो सीट्स की बात करें तो वो आपको कंप्लीट कुछ इस तरीके से देखने को मिलती हैं। 60-40 स्प्लिट है, मैंने वो ऑलरेडी बता दिया। 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलेंगी, प्री टेंशन है लोड लिमिटर के साथ। बीच वाले के लिए जो है लैप बेल्ट आएगी। नीचे आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंटिंग्स हैं, 3 पॉइंट सीट बेल्ट। आइए अब अंदर चलते हैं। डोर थर्ड आपको कुछ इस तरीके से सुनने के लिए मिलेगी। पीछे से कंप्लीट डैशबोर्ड के व्यू की बात करें तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। अब बात करते हैं सीट के पीछे आपको कितना स्पेस मिलेगा। स्पेस की बात करें तो ये वाली सीट ऑलमोस्ट मेरे हाइट से एडजस्ट है, तो आप एक बार स्पेस देखो इसके अंदर। स्पेस लगभग आपको अच्छा खासा जो है देखने को मिल जाएगा। यूटिलिटी के हुक्स हैं जिसपे कि आप 3 kg तक का वेट डाल सकते हैं। पॉकेट्स मिलेंगी, सेम यहाँ पे भी पॉकेट्स आएगी। यूटिलिटी के हुक्स हैं, 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे और सेंटर कंसोल की बात करें तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। यहाँ पे आएंगे आपको USB-C टाइप चार्जिंग पोर्ट, मोबाइल रखने के लिए स्पेस है। यहाँ पे बात करें तो सॉफ्ट ओपनिंग के साथ ग्रैब हैंडल मिलेगा, कोटुक आएगा, रूफ माउंटेड AC वेंट्स हैं, लाइट के कंट्रोल्स, सेम यहाँ पे भी आपको सॉफ्ट ओपनिंग के साथ ग्रैब हैंडल मिलेगा, कोटुक है, एयरबैग की बैजिंग, सेफ्टी में 7 एयरबैग देखने को मिलते हैं फॉर्च्यूनर जेंडर में। एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं। आइए देखते हैं आर्मरेस्ट। आर्मरेस्ट की बात करें तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। डिटैचेबल कप होल्डर्स हैं, 2 कप होल्डर्स मिलेंगे, कर देते हैं इसको क्लोज। सीट का आप जो है रिक्लाइन एंगल भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है लीवर देखने के लिए मिलेगा इस वाले लीवर से, अभी फिलहाल जो है एक हाथ से पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो मोटा मोटा इंटीरियर में आपको जो है यही सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं फॉर्च्यूनर लेजेंडर के टॉप एंड वेरियंट में। आइए अब चलते हैं ड्राइवर साइड सीट पर, वहाँ पर देखते हैं वहाँ पर आपको क्या कुछ इसके अंदर देखने को मिलता है। जो इसमें फुट स्टेप हैं उनका यूज़ आपको जो है करना ही पड़ेगा क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा है कार की। ड्राइवर साइड डोर हैंडल की बात करें तो रुकर सेंसर मिलेगा, फिजिकल की लगाने का ऑप्शन आएगा। डोर ट्रिम की बात करें तो बिल्कुल सेम मिलती है। चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स मिलेंगे, चारों पावर विंडो ऑटो अप ऑटो डाउन फंक्शन के साथ आएंगे। एंटी पिंच फंक्शन भी मिलेगा, चाइल्ड सेफ्टी का कंट्रोल है लॉक अनलॉक करने के लिए, ORVM के इंटरनल एडजस्टमेंट्स हैं, ऑटो फोल्ड, क्रोम फिनिश में डोर हैंडल्स, एम्बिएंट लाइट, यहाँ पे स्पीकर है, 1 लीटर का बोतल होल्डर मिलेगा, इल्यूमिनेटेड इसका फ्लेट है। ट्यूटर की बात करें तो वो यहाँ पे प्लेस की गई हैं। और ड्राइवर साइड सीट की बात करें तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। फॉर्च्यूनर लेजेंडर में जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक सीट्स आती है ड्राइवर वाली, को ड्राइवर आपको मैनुअल मिलती है। 6-way इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट सीट्स मिलेगी, सेम डुअल टोन लेदर अपहोस्टरी सीट्स मिलेंगी, सिर्फ सिंगल कलर का ही ऑप्शन आता है। यहाँ पे मिलेंगे आपको इसके 2 पेडल्स, डेड पेडल सेपरेट में दिया गया है। यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे यहाँ से आप जो है कार का बोनट और फ्यूल कैप को अनलॉक कर सकते हैं। टेल गेट ओपन करने के लिए यहाँ पे एक डेडिकेटेड बटन दिया गया है, वॉशर यूज़ करने का, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ करने के लिए। यहाँ पे टेल गेट को जो है डायरेक्टली ऑफ कर सकते हैं। इंजन स्टार्ट बटन मिलेगा। यहाँ पे एक डेडिकेटेड कप होल्डर्स है ड्राइवर के लिए, जो कि एक अच्छी चीज़ है। आइए अब अंदर चल लेते हैं, अंदर देखते हैं अंदर के आपको क्या कुछ मिलता है। डोर को करते हैं क्लोज। डोर थर्ड आपको कुछ इस तरीके से सुनने के लिए मिलेगी। एक बार कंप्लीट व्यू देख लीजिए। इंटीरियर में आपको कुछ इस तरीके से व्यू देखने को मिलता है पूरा कंप्लीट। यहाँ पे ग्रैब हैंडल है, एयरबैग की बैजिंग मिलेगी, वैसे मैंने स्टैंडर्ड बताई दिए, 7 एयरबैग जो है आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे मिलेगा आपको इसका ऑटो डिमिंग IRVM, यहाँ पे ऑटो का बटन है, टॉप पे सनग्लास होल्डर मिलेगा, LED बेस्ड लाइट है,
आप इंडिविजुअली ऑपरेट कर सकते हैं या फिर आप डोर के साथ सिंक्रोनाइज भी कर सकते हैं इनको। यहाँ पे हॉर्न को ऑन ऑफ करने का है, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मिलेगा आपको उसका वेंटी मिरर, साइड में लाइट दी गई है, कर देते हैं इसको क्लोज। और यहाँ पे बात करें तो सेम यहाँ पे भी वही सेटअप दिया गया है, वेनिटी मिरर मिलेगा लाइट के साथ। सो मोटा मोटा यहाँ पे यही सारी चीज़ें देखने को मिलती है। आप बात करते हैं डिटेल में अंदर आपको क्या कुछ और देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। स्टीयरिंग व्हील जो है बिल्कुल सेम ही है जैसे आपने नॉर्मल फॉर्च्यूनर में देखा होगा, लेदर ऐप आएगा, अपनी जो है स्टिचिंग है वो सेम आपको रेडिश फिनिश के साथ देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपके सारे इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स आएंगे, यहाँ पे आपको MID को कंट्रोल करने के लिए बटन्स हैं, ऑटोमेटिक वेरिएंट में आपको जो है पैडल शिफ्टर्स का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पे वाइपर्स के कंट्रोल्स मिलेंगे, ऑटोमेटिक हेडलाइट के कंट्रोल्स हैं, और ऐसा दिखता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। एनालॉग बेस सेटअप है जिसमें बीच में आपको 8 इंच की मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले देखने को मिलेगी जो क्या क्या दिखाएगी उन सारी चीज़ों की जो है डिटेल में बात करेंगे। आइए एक बार एडजस्टमेंट देख लेते हैं स्टीयरिंग की। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों फंक्शन देखने को मिलेगा स्टीयरिंग व्हील में जो कि एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल के बटन्स मिलेंगे, पेडल शिफ्टर्स हैं, और सेंटर कंसोल की बात करें तो पूरा सेंटर कंसोल जो है आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। सबसे ऊपर बात करें तो आपको एक डिजिटल क्लॉक मिलेगी, 1000 लाइट ऑन ऑफ करने के लिए स्विच है, दो AC वेंट्स आएंगे। यहाँ पे आएगा आपको 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि सपोर्ट करेगा वायर कनेक्टिविटी के साथ एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो। पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है, और नीचे मिलेगा आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल AC। यहाँ पे 12V का पावर आउटलेट है, USB ऑक्स का पोर्ट, और ये हैं वेंटिलेटेड सीट्स के कंट्रोल। तीन आपको जो है लेवल्स मिलेंगे वेंटिलेटेड सीट्स के। यहाँ पे ये LED सेंट कंट्रोल का ऑप्शन है, ये है 4x4 का प्रॉपर ऑप्शन जिसमें 2 हाई 4 हाई और 4 लो का, 4 लो लगाने के लिए आपको पुश करके लगाना पड़ेगा। बैक टू 2 हाई कर देते हैं। यहाँ पे बात करें तो वायरलेस चार्जर भी आता है, ये पियानो फिनिश दी गई है, क्लोजेबल स्पेस है यहाँ पे कि आपको 2 कप होल्डर्स मिलेंगे। ये है 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जिसमें कि पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, स्पोर्ट में चलाने के ऑप्शन मिलेंगे। सिल्वर इंसर्ट्स हैं, और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको 3 डेडिकेटेड बटन दिए गए हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट के। यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल है, 4x4 मैकेनिकल लॉक डिफरेंशियल का कंट्रोल है, और आर्मरेस्ट देखें तो आर्मरेस्ट में आपको कुछ इतनी स्पेस देखने को मिलेगी। आइए देखते हैं स्लाइडेबल, सो स्लाइडेबल आर्मरेस्ट नहीं आती है, मैनुअल हैंड ब्रेक मिलेगा क्रोम टिप के साथ, लेदर का यूज़ है। आइए देखते हैं ग्लो बॉक्स, 2 कंपार्टमेंट में ग्लो बॉक्स हैं, यहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड ऑप्शन मिलेगा इतना बड़ा। फॉर्च्यूनर की ब्रांडिंग है, नीचे वाला जो है आपको लॉकेबल देखने के लिए मिलेगा, ग्लव बॉक्स, फर्स्ट एड किट है, कार के पेपर्स हैं, अच्छा खासा स्पेस देखने को मिलता है, बट लाइटिंग या कूलिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा इसमें। और सेम यहाँ पे भी आपको एक कप होल्डर दिया गया है को ड्राइवर के लिए। एयरबैग की वेजिंग है, यहाँ पे भी पिलर पे आप ग्रैब हैंडल मिलेगा, एयरबैग की वेजिंग। आइए एक बार इग्निशन को ऑन कर लेते हैं, सिंगल प्रेस में ही आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट दोनों चीज ऑन हो जाएगी जिसमें कि फॉर्च्यूनर बन के आती है, टोयोटा की वेजिंग आएगी, डिजिटल क्लॉक है, हजार ऑन ऑफ करने के लिए स्विच मिलेगा। वैसे इसमें कई बार बात कर रखी है, इतनी ज़्यादा बात करने वाली है ही नहीं, इसमें आपको एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। छोटे मोटे और फीचर्स आते हैं, अगर डिटेल में देखना हो तो आप उसको देख लेना। एक बार जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को ऑन कर लेते हैं, व्हाइट कलर की एम्बेड लाइटिंग है। टैकोमीटर की बात करें तो आपको 6 तक की मार्किंग देखने को मिलेगी, उसी के नीचे आपको कूलेंट टेम्परेचर आएगा। स्पीडोमीटर में 200 तक की मार्किंग आएगी, उसी के नीचे फ्यूल इंडिकेटर है, टॉप पर दिखाएगा गियर इंडिकेटर्स। बैक करके देखते हैं, यहाँ पर आपको करंट इन्फॉर्मेशन, रीसेट, सेंस रिफ्यूलिंग के ऑप्शन, इको इंडिकेटर है, इको सेविंग, यहाँ पे हुड ओपन है कि नहीं वो सारी चीज़ें दिखाएगा, डिजिटल स्पीड, ब्लूटूथ के कंट्रोल्स। सो मोटा मोटा इंटीरियर में यही सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, और कुछ रह गया हो तो कमेंट में पूछ लेना, कमेंट आप लोगों के लिए पूरी तरीके से खुला हुआ है, पूछ सकते हो आप सारी चीज़ें। अब चलते हैं बोनट एरिया पे, उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ सेकेंड रो सीट पे दिखा देता हूँ। कर देते हैं इग्निशन को क्लोज, सॉरी इग्निशन को नहीं, उससे पहले वरना तो बंद हो जाएगा, पहले मैं दिखा देता हूँ। आप देखो यहाँ पे जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में बता रहा था, आपको यहाँ पे जो है एयर वेंट को कंट्रोल करने के ऑप्शन सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ से आप सारे जो है फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, ऑफ़ करने का ऑप्शन मिलेगा, ऑटो पे छोड़ देंगे तो आप जो है जहाँ से फ्रंट से सेट करेंगे तो वही सारी चीज़ जो है सेटिंग्स यहाँ पे भी ओपन हो जाएंगी। कर देते हैं इसको क्लोज, तो मेन आपको ये दिखाना था पीछे। आइए फाइनली चलते हैं बोनेट एरिया पे, वहाँ पे देखते हैं वहाँ पे आपको क्या कुछ देखने को मिलता है लेजेंडर के अंदर। कर देते हैं इग्निशन को क्लोज, सिंगल पुल में ही अनलॉक हो जाएगा बोनट। आइए देखते हैं, कंप्लीट इंजन बे जो है आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। इसके स्पेक्स की बात करें तो यहाँ पर मिलेगा आपको 2.8 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन,
इसके पावर की बात करें तो यहाँ पे आपको 201 bhp की पावर मिलेगी और 500 nm का टॉर्क आएगा। 8 का एवरेज मिलेगा 80 लीटर के डीजल टैंक से। बोनेट पे इंसुलेशन दी गई है। कार पे स्टैंडर्ड वारंटी की बात करें तो कार पे 1,25,000 किलोमीटर और 3 ईयर की वारंटी आएगी, जिसको कि आप 5 साल तक ले एक्सटेंड करा सकते हैं। और चाहें तो टोयोटा ट्रस्टेड ऐप से जो है आप इस कार को मंथली सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। टोयोटा का लोगो मिलेगा। कूलेंट फिल करने का ऑप्शन है, यहाँ से फिल करेंगे आप कार में वॉशर। कैसी लगी टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, कुछ रह गया हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और कौन से ऐसे फीचर्स थे जो आपको इसके अंदर अच्छे लगे वो भी कमेंट में बताना।